आज आपको दिखाएंगे हम एक 22 साल पुराना ट्रैक्टर है और हमारे किसान भाई इस चीज़ की कैसे पहचान कर सकते हैं कि उसकी हाइड्रोलिक कल्टीवेटर पर सही है या उसकी हाइड्रोलिक ख़राब हो चुकी है। तो हाइड्रोलिक को टेस्ट करने का एक छोटा सा नमूना है जो आप अपने घर पर भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। जब आप ट्रैक्टर को कल्टीवेटर पर चला रहे होते हैं तो वो सेंसिंग नहीं करता, तो उसका पता आपको यहाँ चलेगा। इस वाले होल में आपको एक पिन लगाना है, फिर आप इसके लीवर को, पोजीशन को और उसको कंट्रोल पे सेट कर ले। भी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ही मैं इस पर ऐसे फोकस लगाऊंगा तो ये हाइड्रोलिक ऊपर जाने लगेगी, और जैसे ही मैं इसे ढीला छोड़ दूंगा तो ये नीचे की तरफ आने लग जाएगी। देखिए, ये देखिए, और देखिए इसी स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखिए, अभी देखना जैसे इसे दबाऊंगा, देखो ये, देखो ये कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है और उसी रफ्तार से नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आप एजुकेटेड। आज आपको दिखाएंगे हम एक 22 साल पुराना ट्रैक्टर है और हमारे किसान भाई इस चीज़ की कैसे पहचान कर सकते हैं कि उसकी हाइड्रोलिक कल्टीवेटर पर सही है या उसकी हाइड्रोलिक ख़राब हो चुकी है। तो हाइड्रोलिक को टेस्ट करने का एक छोटा सा नमूना है जो आप अपने घर पर भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। जब आप ट्रैक्टर को कल्टीवेटर पर चला रहे होते हैं तो वो सेंसिंग नहीं करता, तो उसका पता आपको यहाँ चलेगा। इस वाले होल में आपको एक पिन लगाना है, फिर आप इसके लीवर को, पोजीशन को और उसको कंट्रोल पे सेट कर ले। भी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ही मैं इस पर ऐसे फोकस लगाऊंगा तो ये हाइड्रोलिक ऊपर जाने लगेगी, और जैसे ही मैं इसे ढीला छोड़ दूंगा तो ये नीचे की तरफ आने लग जाएगी। देखिए, ये देखिए, और देखिए इसी स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखिए, अभी देखना जैसे इसे दबाऊंगा, देखो ये, देखो ये कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है और उसी रफ्तार से नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आप एजुकेटेड।